फॉर डिफरेंशिएशन। जनरली काफी समय हो गया होगा आप लोगों को डिफरेंशिएशन का, हो सकता है किसी ने रिवाइज कर लिया हो, किसी ने रिवाइज नहीं किया हो, तो JEE में काफी प्रॉब्लम आएंगे जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया। उस पर्पस से कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है फॉर JEE वो मैंने रिवीजन के अकॉर्डिंग टू पुट किया है, जिसको हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस इज द हेल्प फॉर यू फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम JEE और CET। ठीक है, तो इससे हम रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन के सम कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको शॉर्टकट में कैसे करना, कैसे आंसर्स लाना, ये सब हम करेंगे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू x 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 अप टू एंड सो ऑन x n इज टू डिवाइड बाय फैक्टोरियल n देन डिवाइड बाय dx। मतलब हमको डिवाइड बाय dx बताना है अगर y इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब इसमें से a ऑप्शन है y y प्लस x रेस टू n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n, c ऑप्शन है y minus x plus 2 n divided by factorial n, and d option है y minus 1 minus x plus 2 n divided by factorial n। अगर अब इतना टाइम तो नहीं है कि अपन इतना टाइम वेट करें कि मैं आपको बोलूं सॉल्व करके दो आंसर्स बताओ, दैट मीन्स आप इसको पॉज करके पहले आप आंसर निकाल सकते हैं, देन आफ्टर getting answer you can tally with this method। ठीक है, तो इसमें हम start करते हैं। first one जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, question number 1। ठीक है, solution दिया हुआ है y equal to 1 plus x square factorial 2 प्लस एक्स क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू एक्स एन फैक्टोरियल एन देन डिवाइड बाय डीएस फाइंड करना। वी हैव टू फाइंड डीवाई बाय डीएस। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट with respect to x, क्या आएगा dy by dx। ध्यान से देखिए dy by dx constant का differentiation 0, x का differentiation 1, x का differentiation 1 and x square का differentiation 2x, हम नीचे तो constant है, constant as it is, 3x square constant as it is, अप टू यहां पर n इंटू x रेस टू n माइनस 1 और यहां पे आ जाएगा n रेस टू n माइनस 1 और फैक्टोरियल n। तो यहां पे आप ये देखिए कॉन्स्टेंट एज इट इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है ये समझिए, हमने डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है तो डेरिवेटिव हर स्टेप का लेंगे बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अंदर हर स्टेप का एक डिफरेंशिएशन होगा, इसको डिफरेंशिएशन होगा तो फिर वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे तो कांस्टेंट का और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर सिंगल स्टेप ऑनली कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल तो उसका जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो कर दिया हमने, बाकी 1 2। अब इसमें आप देखिएगा ये यहाँ क्रॉस होगा, किससे क्रॉस होगा, 2 से, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 बचेगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ फैक्टोरियल 2 बचेगा, अब यहाँ पे n से n कैंसिल होगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 1 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, व्हाट वी हैव टू राइट, हमको क्या लिखना, 1 प्लस x फैक्टोरियल 1 प्लस x square
फैक्टोरियल टू प्लस अप टू एक्स रेस टू एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है, यही आ गया। ये किसकी वैल्यू है? डी वाई बाय डी एक्स। अब आप देखिए, अगर हमने यहाँ पर x रेस टू n और फैक्टोरियल n को प्लस किया और x रेस टू n फैक्टोरियल n को माइनस किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर प्रॉब्लम है दोनों को कैंसिल कर दीजिए, आपका स्टेप एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम वही क्वांटिटी प्लस कर रहे हैं और वही क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं तो इक्वेशन अल्टीमेट अनचेंज रहेगा। पर ये प्रेजेंटेशन हम डिफरेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हम चेंजेस लाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से लेके इसकी वैल्यू, केवल इसकी वैल्यू, उसको छोड़ दीजिए माइनस वाले, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको देखिए y दिख रही है, इक्वेशन वन देख लीजिए y दिख रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें वी हैव टू पुट द सब्स्टिट्यूट y इंस्टेड ऑफ दिस वन y इक्वेशन वन माइनस एक्स एन n, तो एक्चुअल वैल्यू जो हमारी आई है जी वाई बाई डी एक्स की वो क्या होगी, y माइनस एक्स प्लस टू एन एन फैक्टोरियल। तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप देखिएगा सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगाना है, कहाँ पे मैनेज करना है ये बन आना चाहिए आपको, और आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के प्रॉब्लम भी आते हैं, इंटरेक्ट होंगे आपको सीटी में या फिर जेड। अब देते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन आप रीड कीजिए टू टाइम्स देन सॉल्व इट। तो अब हम सेकेंड प्रॉब्लम कर रहे हैं, सेकेंड प्रॉब्लम, इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर देन वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल। ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन है x प्लस वाई, ऑप्शन बी वन प्लस एक्स वाई, ऑप्शन थ्री वन माइनस एक्स वाई एंड ऑप्शन डी एक्स वाई माइनस टू। तो यहां पर जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन टू है, ठीक है, जो दिया हुआ है वो क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद रखिए आपको क्वेश्चन रूल आपने पढ़ा है डिवीजन का और प्रोडक्ट रूल भी आपने किया है, पर ज्यादा बेटर और ज्यादा इजी वे में कौन सा लगता है आपको, प्रोडक्ट रूल लगता है कंपैरेटिवली क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल को प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमको इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस पूरे स्टेप को इधर शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन रूल क्योंकि काफी टफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा टफ रहता है कंपैरेटिवली प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल में कर लेंगे हम, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप इसको अपन अगर चाहे तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाई डैश वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाया हूँ, प्लस वाई इंटू हाफ हाफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस हाफ माइनस वन हाफ माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए हाफ से, ये हाफ है ना, हाफ से माइनस वन किया तो माइनस हाफ होगा, तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई
वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है बिकॉज ऑफ माइनस वन आएगा, माइनस वन इसको डिनोमिनेटर में ला देगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कैसे आया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई वन माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी गेट वाई डैश वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, प्लस y by 2, ठीक है, इक्वल टू 1, ये होगा। अब आप देखिएगा यहां पर एक चीज आपको देखना है, यहां पे आपको डिफरेंशिएशन में एक और चीज मिस हुई है, कौन सी, हमने इसको तो ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन तो किया, बट ये अपने आप में एक फंक्शन नहीं है, ये स्टेप वाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर का भी एक डिफरेंशिएशन होगा और उसका 2x आएगा, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा, 2x यहाँ पर आएगा किसका, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आएगा इनटू, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को 2x, क्यों, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम t मान लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहाँ पे 2x आएगा, तो 2x, अब देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सेप्ट अपना, यहाँ पे जो आएगा xy इक्वल टू xy। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हट के यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे वन, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, और फिर इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे टू घट जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जब हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे आप देखिए इसका माइनस टू आएगा, माइनस टू एक्स, ये आपको बता दूँ, अगर समझ नहीं आया तो इस बार एक बार समझ लीजिए कैसे आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन, हमने इसको मान लिया t, तो क्या आ जाएगा d by dt, t half into dt by dx, ये होगा, हमने किसको मान लिया, इसको मान लिया t, t equal to क्या 1 minus x square, तो यहाँ पे dt by dx कितना होगा 0 minus 2x, ये होगा, तो dt by dx equal to 2x, तो यहाँ पर अब देखिए और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा half सामने आ जाएगा, और t हाफ माइनस वन, और यहाँ पे टू टू एक्स आ ही गया, ये टू एक्स आ गया, अब इसको देखो हाफ और ये माइनस वन आएगा, इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी तो माइनस वन नीचे लेके आ जाएगा t, ठीक है, यहाँ पे t आ जाएगा माइनस हाफ आएगा, क्योंकि हाफ में से वन में से हाफ जाएगा तो माइनस वन, यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस हाफ आएगा तो माइनस हाफ नीचे आ जाएगा, इनवर्स नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x, अब ये 2x काय में था, ये माइनस 2x है ना, तो यहाँ पे माइनस 2x आ गया, ये समझ में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आपको आपने किया होगा किसी का, हमने यहाँ यूज किया, ये समझने के लिए बता दिया मैंने कि इस पर आया कैसे, t की वैल्यू रख दीजिए, जो मान लेते हैं t की वैल्यू क्या है हाफ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर ये समझने के लिए है, समझने के लिए था कि कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए y डैश हम इसको इधर लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y डैश को क्या लिखेंगे
डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, और ये इसको इधर शिफ्ट कर दो, वन प्लस एक्स वन। मतलब हमारे पास जो पूछा था उन्होंने क्या पूछा था, ये पूछा था हमारा आंसर, ये इसकी वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा वन प्लस एक्स वाई, तो ये हमारा आंसर रहेगा किसका, इसका। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा ये सिंपल प्रॉब्लम है जो जनरली रिपीट होते हैं और एग्जाम में इसी टाइप के सिमिलर या सेम प्रॉब्लम आते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री भी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसे देख लीजिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए देन डिवाइड बाय डी एक्स, ये हमको फाइंड करना है। तो देख लीजिए इसमें कैसे हम करेंगे, ऑप्शन दिया है ए एक्स अपॉन वाई, बी है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई सॉरी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए। देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेनी मेनी मेथड्स होते हैं, अब वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पढ़ा है जिसका यूज आप यहाँ करते हैं। सपोज यहाँ पर जैसे अगर हमने पुट कर दिया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू y अपॉन x, ये हमने लिख लिया, अज्यूम किया लेट, ठीक है, कि y इक्वल टू x टेन थीटा। अब बोलेंगे सर ये हमको समझना तो नहीं आया कि y इक्वल टू x टेन थीटा, हम कैसे जानेंगे कि कैसे लिखें, y का सब्स्टिट्यूशन करें। तो आपको ये चीज मिलेगी प्रैक्टिस पे, अगर आपने अपनी कोर्स में बुक का प्रैक्टिस की होंगी एग्जांपल्स के, तो आपको आसानी से यू कैन इमेजिन फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन इफ यू हैव डन सो मैनी एग्जाम्पल्स इन देयर ट्वेल्थ स्टडीज, ठीक है। तो आपको ये एक टाइप मिल जाएगा कि लॉजिक आपको ऑलरेडी डेवलप रहेगा कि हमको ये शिफ्ट करने से ज्यादा आसान जाएगा, गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा ये प्रैक्टिस पे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब एक ही बार में आप ऐसा बिल्कुल सही सही थिंक कर लें और करेक्ट थिंकिंग में आपको ये करेक्ट सब्स्टिट्यूशन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, वो आपको प्रैक्टिस पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू x tan थीटा, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू log a, राइट हैंड साइड तो पूरा कांस्टेंट है, याद रखिए। अब हम इसको साइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया एक्स स्क्वायर को हमने, एक्स स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी हमने कॉमन निकाल दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया राइट में, साइन लॉग ए ये आ गया शिफ्ट करने। अब देखिए इधर ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू आपने देखा होगा कॉस टू थीटा होती है, अब ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा,
ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है और ये आपको 11th और 12th दोनों में कराया जाता है और आपको आना चाहिए, यू शुड नो वेरी वेल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो फार्मूले। ट्रिगो फार्मूले अगर आपके लर्न हैं तो काफ़ी हेल्प मिलती है इस टाइप के प्रॉब्लम। यहाँ पर साइन लॉग ए, अब यहाँ पे आप देखिएगा कॉस को हम इधर शिफ्ट कर, अब आप बोलेंगे सर राइट साइड क्यों इतना क्रिस्प बना रहे हैं आप, साइन लॉग ए क्यों इतना क्रिस्प बन रहा है? अरे ये क्रिस्प इसलिए कर रहे हैं हम, हमको मालूम है एक ही बार में डिफरेंशिएशन नहीं है, पूरा कांस्टेंट पार्ट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट ही है पूरा, वेरिएबल तो है ही नहीं, वहां एक्स कहीं दिख रहा है क्या, वाई कहीं दिख रहा है क्या, नहीं कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम पूरा राइट साइड में लगा कि एक ही बार में डिफरेंशिएट करेंगे मतलब चीज पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहां पर टू टू को भी इधर ले, तो टू को अगर हमने इधर लिया तो कितना आएगा हाफ, तो ये टू भी इधर चले जाएगा। अब थीटा इक्वल टू हमने को यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यही होगा। तो यहाँ पे लेंगे हम टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हाफ कॉस इनवर्स साइन लॉग ए, ये आ गया। अब इसमें टेन को भी हम इधर ले जा रहे हैं वाई अपॉन एक्स टेन हाफ कॉस इनवर्स साइन लॉग ए, ठीक है, ये इसका कैंसिल हुआ, ये इसका हुआ, ओके। अब देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं और इस साइड को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप देखिएगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स वाई बाई एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और होल कॉन्स्टेंट आएगा, पूरा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ये पूरा कॉन्स्टेंट है, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमें लिखते हैं कॉन्स्टेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा जीरो, अब यहां पर जीरो आ जाएगा, इसका देख लीजिए x into y dash minus y divided by x square, ये क्या, ये quotient rule लगा दिया हमने, quotient rule लगाने के बाद अब आप देखिए इसको cross multiply कीजिए, x y dash minus y equal to zero, that means पूछा क्या है आपने से dy by dx पूछा है, तो dy by dx x ये y dash equal to y upon x होगा और y dash को क्या लिखते हैं dy by dx y by x। तो अब देखिए ये जो आ रहा है अपना ये आंसर आपका होगा y by dy by dx equal to y by x, तो y by x कौन सा ऑप्शन है d ऑप्शन, तो ऑप्शन d इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आई थिंक कैसे करना है आपको, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार और देख लेंगे, वीडियो को रिपीट करके रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको इंट्रोड्यूस होंगे आगे एग्जाम। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में x इक्वल टू t cos t y इक्वल टू t sin t, अच्छा पहले हम फिफ्थ वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ वाला कर लेते हैं, काफी इजी प्रॉब्लम है, पहले वो कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
क्या लिखा, इफ वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस फिर अंडर रूट ई रेस टू एक्स प्लस अंडर रूट ई रेस टू एक्स प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स, ये तो देखिएगा ये दिया हुआ है, हम इसका डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाय डी एक्स पहले तो हम इसको अगेन एक फॉर्म में लिख लेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स प्लस वाई, क्योंकि आप देखिए ये पोर्शन जो दिख रहा है अगर हम इसको अकेले रीड करें तो ये भी हमको एक y दिख रहा है, e to e to e to infinite है y दिख रहा है, तो हम इस पोर्शन को y से शिफ्ट कर देंगे क्योंकि y y y आगे रिपीट होगा, तो हमने इसको y लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने में काफी इजी जाएगा, स्क्वायर ले लो बोथ द साइड, y स्क्वायर ex प्लस y टेकिंग डिफरेंशिएशन टू y dy by dx, ठीक है, 2y dy by dx, 2y dy by dx, और यहां पर e raised to x का तो e raised to x ही होगा प्लस dy by dx। अब यहां पे देखिएगा इसको इधर ला लीजिए, तो 2y minus 1 कॉमन निकाल लीजिए, dy by dx e raised to x होगा, तो यहाँ पे होगा dy by dx equal to e raised to x 2 by minus 1, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे सबके नीचे 2 by by minus 1 है, ध्यान रखिएगा 2 by by 1 और यहाँ पे भी 2 by ठीक है minus 1, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा अपना, a is the right answer, e is the right answer, e raised to x divide by 2 by minus 1, तो ये clear हो गया होगा। इसी टाइप के अब e x की जगह हो सकता है x हो, sin x हो या tan x हो, तो वो सभी सेम मेथड से बनेंगे, सभी को आप y assume करके यहाँ पे जो भी है उसका differentiation लिख दीजिएगा और एज इट इज रहेगा, मतलब इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ठीक है ये रूट में आते जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स में इतना भी सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन रहेगा उसका फर्स्ट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है, और 2y माइनस 1 लिख देना, बस ये आपका आंसर बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू क्या है, अभी यहाँ पे ex है, तो f डैश ऑफ x भी क्या होगा ex ही रहेगा, तो इसको आप पुट कर दीजिए आंसर मैच हो जाएगा। मान लो अगर f ऑफ x इक्वल टू x sin x है, तो sin x का क्या होता है f dash of x equal to क्या होगा cos x, तो बस cos x divide by 2 minus 1, same कोई भी function tan x हो sin x हो cos x हो e raised to x हो x square हो whatever, you have to use this formula, you have to use this one concept, मतलब आपको f dash x divide by 2 by put the formula, get the answer directly, तो ध्यान रखिएगा काफी important problem है और इसी type के problem आपको CET में या JEE में repeat, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और केवल इसका substitution पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें question number 4, question number 4 काफी है तो easy पर देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन रूल इसमें लगेगा, तो देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इक्वल टू t cos t
y equal to t plus sin t, then d square x divided by dy square at t equal to pi by 2. t equal to pi by 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x equal to क्या दिया हुआ है, x equal to दिया हुआ है t cos t, है ना, और and y equal to क्या दिया है t plus sin t, t plus sin t, t cos t। अब यहाँ पे आपको बोला क्या है, d square find d square by d square x by dy square, ये find करना है, ठीक है, और किस पे find करना है, at t equal to pi by 2, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, पहले तो हम ये लिख रहे dx by dt क्या होगा with respect to differentiate with respect to t, है ना, differentiate with respect to t क्या होगा, dx by dt equal to, आप यहाँ पे देख लीजिए cos t, है ना, product rule लगेगा, plus minus t sin t, इसका हो जाएगा y का क्या होगा dy by dt 1 plus cos t, ये होगा, और dy by dx को अपन क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी dx by dy, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पूछ लिया है, dx by dy, dx divide by dt, ठीक है, and dy divide by dt, इस समझ में आ गया होगा, चैन रूल से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर सिंपल। तो ये dx by dt, dy by dt ये हमने लिख दिया, आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, dx by dy equal to dx by dt क्या था, cos t minus t sin t, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 plus cos t। अब इसको हम differentiate कर दें, again differentiate with respect to y, हमने इसको with respect to y differentiate किया तो क्या आएगा, d square x dy square equal to, अब यहाँ पे d by dy हम करेंगे और ये फंक्शन किसका cos t minus t sin t divide by 1 plus cos t। अब आप देखिए यहाँ पे पूरा फंक्शन t का है और यहाँ y है, तो यहाँ पे भी हम अगर t लिख दें और यहाँ पे dt by dy लिख दें तो कुछ गलत होगा क्या, सिंप्लीफिकेशन। तो अब यहाँ पे ये चैन रूल से होता है, बाय चैन रूल हमने dt लिख दिया बिकॉज ऑफ फंक्शन ऑफ t इज देयर, तो हमने dt पुट कर दिया और dt को यहाँ लिख के बाय चैन रूल आप लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद ये जो दिया हुआ है यहाँ पर इसका हम क्वोशेंट रूल लगा देंगे, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो क्वोशेंट रूल लगा रहे हैं काफी डी बाय डी टू, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी, ये आ जाएगा सेकंड इसका डी बाय डी टी कॉस टी माइनस टी साइन टी माइनस, अब यहाँ पे ये चीज रहेगा कॉस टी माइनस टी साइन टी और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d by dt 1 plus cos t और होल डिफरेंशिएशन में रहेगा, होल डिवाइड में रहेगा 1 plus cos t का स्क्वायर। अब ये तो हो गया इसकी वैल्यू, अब रहा इसका सवाल, ये इसकी वैल्यू भी आपको मालूम है क्या है, 1 upon क्या होगी 1 plus cos t,
इसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस वन, ये है डी वाई बाई डी टी, तो इसलिए डी टी बाई डी वाई क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस कॉस टी, ये होगा ना, ये डी वाई बाई डी टी है तो डी टी बाई डी वाई, ये तो डी टी बाई डी वाई है ना, तो डी टी बाई डी वाई वन अपॉन कॉस टी, वो पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं पहले, वन प्लस कॉस टी, ठीक है, अब इसका कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी डिफरेंशिएशन, अब साइन टी का अब फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ब्रैकेट लगा लेंगे हम, तो साइन टी प्लस अब फिर टी को लिख दिए और कॉस टी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस टी माइनस टी साइन टी, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी होगा, ये वन का तो जीरो हो जाएगा, और डिवाइड में जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस टी का होल क्यूब, क्योंकि ये भी एक मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ पे अब ये खा लिया, इसका यूज कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर, इसको हमको लिखना है टी इक्वल टू पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पे वैल्यू निकालना है, तो t इक्वल टू पाई बाई टू लिखेंगे हम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इफ t इक्वल टू पाई बाई टू देन cos t इक्वल टू जीरो sin t इक्वल टू वन, यही होगा, तो sin t जहाँ पे है वहाँ वन लिखेंगे और cos t जहाँ पे है वहाँ पे जीरो, क्योंकि cos पाई बाई टू cos पाई बाई टू इक्वल टू जीरो होगा, याद रखना इसको, तो यहाँ पे हम उसका कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस जीरो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस वन प्लस जीरो, ये आ गया माइनस, अब यहाँ पे ये भी जीरो, ठीक है, यहाँ पे वन, क्योंकि पाई बाई टू का मान हो जाएगा टी इक्वल टू पाई बाई टू है, पाई बाई टू इंटू वन, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस वन, समझ में आ गया, और यहाँ पे डिवाइड बाय करके यहाँ पे जब कॉस थ्री मतलब वन प्लस जीरो का क्यूब। अब आप देखिए वन प्लस जीरो क्या होता है, वन, और यहाँ पे माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, ये माइनस वन टू हो जाएगा माइनस टू, और यहाँ पे कितना है, ये माइनस वन इसके साथ होगा तो इसको प्लस कर देगा और यहाँ पे पाई बाय टू आ जाएगा, और डिवाइड में तो वन लिखा ही हुआ है, दैट मीन्स माइनस टू माइनस पाई बाय टू, तो इसको जब हम निकालेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो फोर प्लस पाई डिवाइड बाय टू, यही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर टी इक्वल टू पाई बाय टू, आंसर कितना आएगा माइनस माइनस, कौन सा आंसर मैच हो रहा है इसमें, यही क्योंकि पाई इसमें पहले, तो पाई प्लस फोर टू, ये आपका जो आंसर आएगा माइनस पाई प्लस फोर, किसका आंसर, इसका डी स्क्वायर एक्स पाई डी वाई स्क्वायर एट पाई बाय टू, यही होना है ना एट पाई बाय टू, तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा आएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो अब देखिएगा एक प्रॉब्लम करने का मेथड है,
हार्डली इसका प्रैक्टिस में काफ़ी इजी जाएगा, काफ़ी टाइम कम लगेगा अगर प्रैक्टिस नहीं तो। वो तो समझाने के पर्पज से मुझे मैंने स्लो लिया है, बाकी हार्डली 5 मिनट का प्रॉब्लम है आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसी ऐप के प्रॉब्लम्स आपको कुछ और भी करना है उसको कर लीजिएगा। आज इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और प्रॉब्लम्स भी होंगे। ठीक है, ओके, बाय।